जैसा कि आपने सुन लिया होगा, हर फ़ोन कॉल के बाद मैडम बताती हैं अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, कृपया घर में ही रहें, सावधानी बरतें। वो तो सब ठीक है, लेकिन उन लोगों के मन में हमेशा सवाल आता है जो इस कोरोना पेंडेमिक से पहले कार खरीदने वाले थे कि भैया क्या अब ये सही टाइम है कार खरीदने का। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ कि क्या यह सही टाइम है कार खरीदने का, यदि हाँ तो क्यों और यदि ना तो क्यों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो उन कारणों पर बात कर लें जिन कारणों से आपको इस समय कार कंसीडर करनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण जो आता है यहाँ पे, वो कारण यह है कि इस समय कार डीलरशिप्स के ऊपर काफ़ी दबाव है। पिछले 6 महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सेल्स है काफ़ी हद तक डिक्रीज हुई है। इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो 47% निकल के आता है और इस कारण कार मैन्युफैक्चरर और डीलरशिप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो डीलरशिप वाले सेल्समैन हैं या जो भी कार सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को एक टारगेट दे के रखते हैं कि भैया आपको इतनी कार महीने में बेचनी ही बेचनी है। उस कारण क्या होगा, यदि आपके पास बार्गेनिंग की स्किल है तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील पा सकते हैं। तो पहला बड़ा कारण तो ये हो गया कि इस समय आपको कार डीलरशिप पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा बड़ा कारण, 90% लोग जो कार लेते हैं वो लोन पे लेते हैं, कोई भी नगद लेता नहीं है। तो उस कारण क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो भी आपको इस समय काफ़ी अच्छे लोन पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर, तो यदि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर इस समय यदि लोन मिलता है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इस समय कार कंसिडर करें। तीसरी चीज़ ये आती है कि अनलॉक की प्रक्रिया में इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन, इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू तो हो गए हैं। रिसेंटली अभी दिल्ली मेट्रो चालू हुई है, लेकिन यदि आप इस समय उनमें ट्रेवल करेंगे तो पहली चीज़ उनका फेयर ज़्यादा है और दूसरी चीज़ उसमें आपको अभी संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं कर सकते, तो इस कारण आपको प्राइवेट व्हीकल कंसिडर करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपको इस समय कार खरीदने का। तो ये तो हो गई कुछ बातें कि हाँ आपको इस समय कार खरीदनी क्यों चाहिए। तो इस समय आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे, इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिलेगी, इस कारण आपको कार खरीदनी चाहिए। लेकिन सभी लोगों के ऊपर ये बात अप्लाई हो नहीं सकती, तो हम उन कारणों की भी बात कर लेते हैं जिस कारण से आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। तो उसका पहला और आखिरी कारण, एकमात्र कारण जो लगता है वो है पैसा, क्योंकि पेंडेमिक के समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब्स रिसेंटली जा चुकी है। लाखों लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे या मंथली इनकम आती थी, उन लोगों की जॉब चली गई और जॉब चली जाने के कारण उन्हें कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। पहले एक इनकम का देख लें और आपकी अदर ज़रूरत पर ध्यान दें, क्योंकि कार ऐसा है कि ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो, अगर मैं जैसे पर्सनली अपनी बात करूँ तो ये जो कार मेरे पास है अभी टाटा टियागो, ये महीने में 15 दिन तो लगभग घर पे वैसे ही खड़ी रहती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यदि आपको बहुत कम यूज़ है कार का, थोड़ा बहुत ही यदि आपको घूमने वूमने जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, तो आप अपनी बाइक कंसीडर कर सकते हैं, कार पूल कंसीडर कर सकते हैं, छोटा मोटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा वगैरह कंसीडर कर सकते हैं। इन सब की भी रोजी रोटी आखिर कैसे ना कैसे तो चलनी है। तो यदि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, आप लोन ले लेंगे, माना कि यदि आप लोन ले भी लेंगे तब भी आपको लोन का पेमेंट हर महीने करना पड़ेगा ईएमआई, तो उसमें भी समस्या आती है। तो आप थोड़ा इसलिए रुक जाएं, ऐसा तो है नहीं कि ये पेंडेमिक हमेशा के लिए रहेगा, कभी ना कभी इसका भी एंड होना ही है। तो जब ये थोड़ा सब कुछ शांत हो जाए या एंड हो जाए और एक बार सब कुछ वापस से बैलेंस्ड हो जाए, तब आप गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे मेरे मत, चूँकि मैंने अपने दोस्तों से बात करी जो कुछ गाड़ी खरीदना चाहते थे और नहीं खरीद पाए किसी कारणवश, और उन लोगों के पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये बात कही है। हो सकता है आपका मत कुछ अलग हो, यदि आप कुछ और बताना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें, और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।